फ्रेंड्स, आई एम अतुल महिंदे फ्रॉम डेफिनेट सक्सेस क्लासेस भोपाल। नीट यूजी की प्रिपरेशन में क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या स्ट्रेटेजीज इस्तेमाल की गई हैं, इस पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं धवल देशपांडे। आइए धवल देशपांडे से ही चर्चा करते हैं। फर्स्ट, हेलो धवल, एंड वेलकम एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर अचीवमेंट एंड सक्सेस। थैंक यू सर। धवल, अपने बारे में कुछ बताएं। तो मेरा नाम धवल देशपांडे है और मैं डेफिनेट सक्सेस क्लासेस में 11th और 12th का रेगुलर स्टूडेंट था। मेरे नीट यूजी में 675 मार्क्स हैं और मेरी AIR 2109 है, और इसके साथ ही मैंने MP बोर्ड के बोर्ड्स एग्जाम में भी स्टेट मेरिट में मेरा रैंक आई है, और उसके लिए आपकी स्टेट बोर्ड में भी आई थिंक 10th रैंक है। जी सर, वेरी गुड, वंस अगेन कांग्रेट्स फॉर दिस। थैंक यू सर। तो डबल, मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं जो मेरा ख्याल है जो नीट के एस्पिरेंट्स हैं उनके मन में भी रहते हैं, तो वहीं से चालू करते हैं। प्रश्न सर कि नीट की प्रिपरेशन आपने कैसे की, क्या बातों का ध्यान रखा और क्या करते थे आप प्रिपरेशन? तो नीट की प्रिपरेशन मेरे लिए जो जर्नी थी वो 11th क्लास में स्टार्ट हुई थी। मैंने 11th क्लास में डेफिनेट सक्सेस के रेगुलर प्रोग्राम क्लासरूम प्रोग्राम में ज्वाइन किया था। okay. और 11th से ही मैंने एक रेगुलर अच्छे स्टूडेंट के जैसे पढ़ाई करना चालू कर दी थी। चीज़ी? रोज आओ, क्लास अटेंड करो अच्छे से, फिर घर जाके जो भी क्लास की चीजें हैं उनको पढ़ते रहो, रिवाइज करो, क्वेश्चंस करो, जो एक रेगुलर कोई भी स्टूडेंट जो ईमानदारी से पढ़ाई करता है वो मैंने किया, और उसकी वजह से मेरे नंबर भी आते रहे रेगुलर जो वीकली टेस्ट होते थे। तो मेरे लिए जो जर्नी थी बहुत अच्छी थी, क्योंकि हमेशा मेरे लिए मैं पढ़ाई करता था, मार्क्स आते थे, मोटिवेशन मिलता था, तो और एक ग्रीन जर्नी थी, स्मूथ जर्नी थी मेरा मानना है, जिसमें मेरे को टीचर्स का बहुत एक अच्छा सपोर्ट भी मिला साथ में। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अच्छा धवल, ये बताएं कि ड्यूरिंग योर दिस जर्नी 11th और 12th, जी सर, है ना, इनमें आपको क्या लगता है कि क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं प्रिपरेशन के लिए, या किस चीज से आपको बेनिफिट होता है, वो उसके बारे में कुछ बताएं? तो पढ़ने के लिए जो एक सबसे अच्छी चीज होती है कि आप अपने घर पे बैठिए स्टडी टेबल पर और आप पढ़ाई करते रहिए। और मेरा एक पर्सनल तरीका था पढ़ने का कि मैं रात को हमेशा सोने के पहले बायो पढ़ता था। अच्छा। और उसके बाद मैं सोचता था, तो सोने के जस्ट पहले बायो पढ़ता था, क्योंकि अगर आपने बायोलॉजी में जैसे लोग बोलते हैं कि बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारे नाम हैं जो याद नहीं होते, तो कई बार अगर आप पढ़ते हैं उसके तुरंत बाद आप सो जाते हैं तो आपको उसमें बेनिफिट मिलता है। और कई बार मेरे साथ पर्सनली होता है, और शायद मेरे साथ जो प्रिपेयर करेंगे या बाद में प्रिपेयर कर रहे हो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी लगता होगा कि सोने के बाद एक अच्छी नींद नहीं आती वगैरह, कि अब 12 बजे 11 बजे सो रहे हो तो आपको 7 बजे तक आपकी नींद अच्छी नहीं हो रही। तो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम थी, तो मैं कई बार अगर सोया हूँ तो मैं 4 बजे ही उठ जाऊंगा। अच्छा। अलार्म लगा के, और उसके बाद मैं फिर से एक जो रात में पढ़ा था वो एक फिर से बार एक और राउंड में पढ़ूंगा, और उसके बाद फिर से सोऊंगा, क्योंकि एनी हाउ मुझे फुल एक लॉन्ग स्लीप नहीं आती, तो मैं बीच में स्लीप के बीच में 2 घंटे उठ के एक बार फिर से पढ़ाई करूंगा। जैसे लोग पावर नैप लेते हैं कि पढ़ाई के बीच में 2 घंटे का पावर नैप, तो वैसे वो मेरे पावर स्टडी थी एक तरह से। okay. कि पढ़ाई के बीच सोने के बीच में 1 घंटे की पावर स्टडी, कि आप नींद से एकदम केयर फ्री होकर उठे, आपने कोई ध्यान नहीं दिया, आपने पढ़ाई की और आप फिर से केयर फ्री होकर सो गए, तो वो पढ़ाई या फैक्ट से ज्यादा आपके लिए एक तरह का एंजॉयमेंट है कि यार नींद नहीं आ रही कुछ कर लेते हैं। तो वो मेरे हिसाब से बायोलॉजी में मेरे को बहुत बेनिफिटिंग रहा, और मेरे इस साल 355 मार्क्स हैं बायोलॉजी में, जो मेरे इसी स्ट्रेटजी से आए, मैंने कुछ बहुत ज्यादा ऐसे अलग नहीं किया इससे। अच्छा, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा था। ये एक और तरीका आपने बताया कि बायोलॉजी को इस तरीके से पढ़ा जा सकता है। जी सर, ठीक बात है। अच्छा धवल, ये बताएं कि जो जनरली स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं, और मे बी आपने भी पूछा होगा टीचर से शुरुआती दौर में आपके, कि डेली बेसिस पर स्टूडेंट्स को कितने आवर्स की स्टडी करनी चाहिए, या कुछ ऐसा इसके बारे में कुछ बताएं? तो ये एक हमेशा क्वेश्चन रहता है, कितना पढ़ना सफिशियंट है, कितना कम से कम क्लास के अलावा पढ़ना चाहिए। हाँ। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप बिगनर हो, जैसे आपने 11th में जस्ट स्टडी चालू किया, तो आपको बिल्कुल एक राइट है कि आप घड़ी देख के, जैसे सब कहते हैं कि 6 घंटे पढ़ो, 7 घंटे पढ़ो, जो भी है आपके उसके लिए सफिशियंट, तो वो एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप अभी बिगनर हो, आपको शायद अभी इतनी आदत नहीं है पढ़ने की, लेकिन एक बार अगर आपको जैसे आदत हो गई है पढ़ने की, आपको एक डिसिप्लिन रूटीन आ गया है, तो उसके बाद कभी भी आप घड़ी देख के मत पढ़िए। मैंने भी नहीं पढ़ा था 12th में एक्चुअली, हाँ, या फिर 11th के मिड में, जब आपका एक रोज की आदत हो जाता है पढ़ाई करना। ठीक बात है। तो मेरे रूम में घड़ी भी नहीं लगी थी। अच्छा। हाँ, तो मुझे नहीं पता कि मैं कितने घंटे पढ़ा हूँ या कितने घंटे सोया हूँ। अच्छा। मेरे साथ हमेशा ऐसा होता था कि मैं अगर पढ़ते पढ़ते बोर हो गया हूँ, या मेरे से ऐसा होने लगा है कि अब छूटने लगी हैं चीजें, तो मैं उधर पे बंद करके बैठता था, थोड़ी देर गाने सुनता था, फिर मैं वापस पढ़ता था। तो कभी आप ये नहीं बोल सकते कि इतने आवर्स पढ़ना जरूरी है कि नहीं,
क्योंकि अगर आप फिर पढ़ रहे हैं, आपकी किताबें खुली और आप एक अलग दुनिया में हैं, तो उसका कोई सेंस नहीं है। अगर आप जितने घंटे प्रोडक्टिव अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप उससे कई कम घंटे प्रोडक्टिव स्टडी से भी अच्छा एक रिजल्ट ला सकते हैं, मेरा ऐसा पर्सनल व्यू है। बिल्कुल ठीक बात है, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आवर्स को ना देखें, अपनी स्टडी को देखें। हाँ, आवरली बेसिस पर स्टडी ना करें, ऐसा ठीक बात है धवल। अच्छा धवल, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है बच्चों के लिए कि एनसीईआरटी बुक बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तो नीट के एग्जाम के लिए अपन सभी जानते हैं, तो एनसीईआरटी की बुक को किस तरीके से पढ़ना चाहिए और कितनी बार उसका रिवीजन होना चाहिए जनरल वे में? हाँ, तो जनरल वे में अगर मैं बोलूँ इसका, तो मैंने एनसीईआरटी कैसे पढ़ना चाहिए, क्या एनसीईआरटी नहीं, मैंने तरीके से कुछ प्रिपरेशन की थी कि मैंने क्लास में जैसे टीचर्स पढ़ाते ही हैं उसका, तो उसे पढ़ने के बाद मैं फिर एक पहले शुरुआती लेवल पे तो आपको बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़नी है, एक एक वर्ड आपके लिए हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आ जाए कोई भी एक बीच की लाइन, तो उस हिसाब से आपको पढ़ते रहना है। लेकिन एक लेटर फेज में ये होता है कि आपको लगता है कि आपको सारी चीजें आती हैं, आपको सारी चीजें दिखी हुई लगती हैं, येट अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो शायद वो आपको लगता है कि यार ये कहाँ से हो गया, ये नॉर्मल सी दिक्कत होती है किसी भी स्टूडेंट के लिए। तो इसके लिए मैं ऐसा करता था कि मैंने एनसीईआरटी पढ़ ली है, कई बार पढ़ ली है, तो उसको एक अलग फॉर्म में, जैसे मेरे पास एनसीईआरटी की बुक रखी हुई थी तो मैंने मतलब उसके बीच का कोई एक वर्ड गायब कर दिया और फिर मुझे देखना है कि वो कीवर्ड क्या है इस तरीके से, या फिर एनसीईआरटी की बुक खोली, मैंने देखा कि ये पैराग्राफ 5.1 या कुछ भी है, इसमें हेमी कॉर्डेटा के बारे में लिखा है, तो फिर मैं किताब बंद करूंगा, मेरे को उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैंने कॉपी में लिख ली कि इसके अंदर ये चीज़ें हैं। उसके बाद फिर मैंने बुक खोली, एक बार फिर से बुक रीड की उसी बहाने कि मतलब मैंने कॉपी में क्या लिखा है और बुक में क्या है और क्या क्या छूट गया है, उस बहाने मैंने 2-3 बार एनसीईआरटी पढ़ ली ऐसा करके, और मेरे को ये भी पता चल गया कि मुझे क्या क्या याद है और क्या क्या नहीं याद है। अगर आप प्लेन रीडिंग करोगे तो हमेशा 2-3 बार पढ़ने के बाद आपको यही लगेगा कि ये तो मुझे सब आता है, लेकिन अगर आप कुछ क्रिएटिव तरीके निकालोगे पढ़ने के तो आपको हमेशा ये पता रहेगा कि मुझे सचमुच क्या आता है और क्या ऐसी चीजें जो मैं शायद एग्जाम हॉल तक जाते जाते भूल जाऊं। बिल्कुल ठीक है, आपको ये पता लग जाता है कि क्या मेरे माइंड में है और क्या माइंड से स्लिप हो गया है। बिल्कुल ठीक, मतलब एनसीईआरटी को पढ़े, कोई भी पैराग्राफ वगैरह उसको बंद कर दें और उस पैराग्राफ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें आपको आती है, ये कॉपी में आप लिख लें जी सर, और फिर उन दोनों को वापस मैच किया और फिर से वापस जो कमी है वो पूरी की। इस तरीके से एनसीईआरटी रीड की, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा तरीका बताया आपने, बिल्कुल ठीक बात है ना। अच्छा धवल, एक और ड्यूरिंग दिस जर्नी ऑफ नीट प्रिपरेशन 11th 10th 12th, 2 साल का एक लॉन्ग पीरियड है, तो इसमें बच्चों को स्ट्रेस होता ही है, बिल्कुल, कभी टेस्ट में कम नंबर आए या कभी ज्यादा हो गया या कुछ पढ़ाई के लोड ज्यादा आ गया या और किसी कारण, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स, तो आपको भी स्ट्रेस होता था? जी सर, सबको, जो भी नीट के 2 साल प्रिपरेशन करता है सबको कभी ना कभी लाइफ में स्ट्रेस आता ही है, होता ही है। तो उस स्ट्रेस को आप कैसे रिड्यूस करते थे या कम करते थे, कैसे मैनेज करते थे उस स्ट्रेस को, उस बारे में बताएं थोड़ा? तो प्राइमरीली मुझको, मेरे फिर से पर्सनल व्यूज हैं कि सबसे ज्यादा अगर कोई कहीं से आपको स्ट्रेस मिलेगा लाइफ में इन 2 साल के प्रिपरेशन में, तो वो आपको फोन में सोशल मीडिया से ही मिलेगा। अच्छा, क्योंकि फिर आप फोन देखेंगे, फिर आपको लगेगा कि आपके साथ में जो 10th तक थे वो अब लाइफ में ऐश कर रहे हैं और आपको बैठ के पढ़ाई करनी पड़ रही है क्योंकि आपको कुछ अलग आपने फील्ड चूज की है। तो मैं मतलब मोबाइल फोन से और सोशल मीडिया से 2 साल दूर रहा, तो मुझे कभी ऐसी नहीं फीलिंग आई। अच्छा। कि मेरे दोस्त लोग एंजॉय कर रहे हैं या नहीं, मैं उनसे बिल्कुल कट गया था 2 साल के इस पीरियड के लिए। उसके अलावा कई बार अगर आपके नंबर कम आते हैं, आपको लगता है कि यार मैं तो पढ़ रहा हूँ मेरे नंबर कम आ रहे हैं तब भी, तो उसका ऐसा कुछ कर नहीं सकते, हो सकता है कि आपके प्रीवियस आपने क्लासेस में उतना नहीं ध्यान से पढ़ा है या आपके जितने आपने पढ़ा है वो आप टेस्ट में आप उतना कर नहीं पा रहे हो, तो उसका अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो एक बिल्कुल जो चीज है वो हो जाएगी क्लियर आपकी। okay. ये मेरा मानना है, अगर आप ऑनेस्टली बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर वो कभी दिक्कत नहीं बनती। ठीक बात। और अगर आप दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं कि यार मैं 8 घंटे पढ़ के मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, मेरे साथ वाला 5 घंटे पढ़ के मेरे से इतने नंबर आ रहे हैं, तो अगर आप इस तरीके की चीजों में इन्वेस्टेड रहेंगे अपने टाइम को, तो फिर आप कभी आपको स्ट्रेस आएगा ही नहीं, आप खुश एक अंदर से रह नहीं पाएंगे। हाँ, तो मतलब ये सारी चीजें अपने को छोड़नी पड़ेंगी, खासकर सोशल मीडिया। सोशल मीडिया जी, एग्जैक्टली। अच्छा, सोशल मीडिया और दूसरों के नंबर, और इससे मेरे मन में एक प्रश्न आया कि क्या पढ़ाई के दौरान आपका कोई एक पीयर ग्रुप या पर्टिकुलर ऐसा फ्रेंडशिप वगैरह थी जिससे आपको बेनिफिट मिला या कुछ, या आपके कोई फ्रेंड्स नहीं थे? नहीं, मेरे बहुत फ्रेंड्स थे कोचिंग में, और उन लोगों से एक अच्छी चीज ये थी कि वो सब पढ़ने में थे। आप जिस पीयर ग्रुप में रहोगे आपको कहीं ना कहीं वहां से चीजें मिलेंगी। हाँ, और मैं जिस ग्रुप में था, मेरा जितना भी एक्सटेंडेड ग्रुप था वो सब पढ़ाई में थे। और अगर कभी एक बार कम नंबर से सर ने बोला आ भी गए, तो वो लोग कभी ऐसे डिमोटिवेट नहीं करते थे कि ये क्या कर दिया एक्स वाई जेड, वो लोग हमेशा मोटिवेट की कोई बात नहीं, कम नंबर हो गए तू कर रहा है,
और उन लोगों ने बहुत फ्रेंड्स से मुझको मोटिवेशन हमेशा मिलता रहा, और उनको देख के हमेशा एक अंदर से मोटिवेशन कि यार मैं जितना भी कर रहा हूँ मेरे साथ में जो दोस्त हैं वो कहीं ना कहीं मुझसे ज्यादा पढ़ते हैं, मुझको हमेशा एक अंदर से ये फीलिंग रहती थी, और उन लोगों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया एक इनडायरेक्ट वे में, और उसको मुझे बहुत फायदा बहुत बेनिफिट मिला। अच्छा, और एक और प्रश्न मेरे मन में आया कि चीजें अपने को आसानी से याद रहे और क्या इजी वे हो सकता है याद करने का। तो जब आप क्लास में आते थे और टेस्ट वगैरह देते थे तो उस बारे में आपका क्या विचार है कि कैसे अपन उसको करें? तो क्लासरूम में ही मैंने हमेशा ये कोशिश की है, और हर किसी को करनी चाहिए जो भी नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, कि वो क्लासरूम में ही ज्यादा से ज्यादा चीजों को याद करे, क्लासरूम में ध्यान से बैठे, क्योंकि नीट का जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा वास्ट है। तो आप सब चीजें घर पे बैठ के याद नहीं कर सकते एक एक चीज, क्योंकि उसके लिए आपके पास 2 साल बहुत कम एक टाइम है, आपको क्लासरूम में बैठ के याद करना ही पड़ेगा, वो एक मजबूरी है, उसके लिए बहुत डिसिप्लिन से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसके अलावा हमेशा टेस्ट जब मैं देता था तो उसके बाद अगर कोई मेरा सवाल गलत होता था तो मैं हमेशा उस क्वेश्चन को एक अलग नोटबुक में नोट कर लेता था। अच्छा, और उसके बाद फिर मैं उस क्वेश्चन को छोड़ देता था, और फिर मैं एक वीक बाद उसको जब अगला टेस्ट हो गया है तब मैं उस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिविजिट करूंगा, और फिर मैं देखूंगा कि क्या इस बार मैंने सही किया, क्योंकि अगर इस बार सही किया मतलब पिछली बार मैंने कुछ सिली मिस्टेक की होगी, लेकिन अगर इस बार भी गलत हुआ है मतलब कहीं ना कहीं मेरा जो मैंने पहले पढ़ा हुआ कंसेप्ट है वो गलत किया है, तो मैं ऐसे में उसको रिविजिट करूंगा, फिर उस कंसेप्ट को वापस जाकर फिर से पढ़ूंगा। ठीक बात है। तो ऐसे में आपको जो टाइम मैनेजमेंट है, क्योंकि आप अगर हर सवाल में आपने गलत किया है और आपके 20 सवाल गलत हैं तो आप वापस जाके 20 सवाल 20 कंसेप्ट फिर से नहीं पढ़ सकते, वो एक टाइम बाउंड आपको जो प्रैक्टिस करनी है उसमें, तो ऐसा करने से आपकी जो चीजें जो नैरो हो जाती हैं वो कम चीजें पढ़नी है और उससे आपको ज्यादा आउटकम मिलेगा। यस, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। मतलब क्लास में अगर अपन कंसंट्रेट होके बैठेंगे तो मेरा ख्याल है आधी से ज्यादा चीजें कवर तो क्लास में ही हो जाती है। जी बिल्कुल, और ज्यादा ही, और ज्यादा ही हो जाती है, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, आपने टेस्ट से बेनिफिट भी बताया कि टेस्ट से क्या बेनिफिट होता है। मेरा ख्याल है टेस्ट आपको आपकी गलतियां बताता है। जी बिल्कुल सर, है ना, कि क्या आपने गलत किया है और उसको आप कैसे रिमूव करते हैं। ये तो आपने बताया कि उसकी एक नोटबुक बना देते और वो सारी चीजें करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा धवल, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है नीट एस्पिरेंट्स के सामने। मतलब क्वेश्चन क्या, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन भी बोलते हैं, या कैसे करें इस बारे में भी नीट एस्पिरेंट्स बड़े विचलित रहते हैं, वो रिवीजन। जी, है ना, रिवीजन फेज। तो जब कोर्स कंप्लीट हो गया और नीट के एग्जाम के पहले आपने कैसे रिवाइज किया चीजों को? तो मेरा जो एक टाइम टेबल बना हुआ था उसमें मैं हमेशा लिख लेता था कि कौन सा चैप्टर किस दिन क्लास में खत्म हुआ है। अच्छा। और फिर मैं हमेशा उसको कि आज से 3 महीने बाद मेरे को एक बार फिर से देखना है, तो मैं हमेशा उसका एक नेक्स्ट 3 मंथ का मेरा प्लान था। अच्छा। जैसे यूनिट्स एंड डायमेंशन अगर मेरा मई के महीने में क्लास में खत्म हो गया, मैंने प्रैक्टिस की है, मैंने सवाल किए हैं, ठीक है, तो मई के बाद 3 महीने बाद मैंने उसका एक डेट लिख दिया कि इस डेट को मैं यूनिट्स एंड डायमेंशन पूरा एक बार फिर से करूंगा। अच्छा। और बीच बीच में अगर पुराने क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपके जो डीपीपीस क्लास में मिलती है उसमें हमेशा कहीं ना कहीं पुराना क्वेश्चन आई जाता है, तो उससे एक आपको रिविजन का मिलते जाता है। मेरे हिसाब से अगर सिलेबस पूरा खत्म हो गया, अब आपको पूरा पढ़ना है, तो मेरे हिसाब से 11th से शुरुआत से एक बार फिर से पढ़ना चालू करना चाहिए फर्स्ट रिवीजन के लिए, क्योंकि फिर आपको एक बार सारी चीजें कवर हो जाएंगी, क्योंकि आपके पास टाइम है पहले बार सिलेबस खत्म होने के बाद। उसके बाद फिर आपको हमेशा वीक टॉपिक्स ही देखने चाहिए, क्योंकि फिर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है नीट का पेपर होने तक। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, एक और इसमें ये भी, क्या ये भी तरीका हो सकता है कि अपने पास जो पार्ट टेस्ट होते हैं? जी सर, मतलब जिसमें रनिंग चैप्टर्स टेस्ट में पूछे जाते हैं और कुछ प्रीवियस भी पूछे जाते हैं, बिल्कुल, तो वो उस प्रीवियस वाले को आप कैसे कवर करते थे? रनिंग तो ठीक है कि कवर हो गया क्लासरूम में, है ना, क्लासरूम में कवर हो गया है, और जो जो प्रीवियस वाला है ना, जैसे मैं कोई भी एक फिजिक्स की बात करूं कि फिजिक्स में मान लीजिए आपका मैग्नेटिज्म चल रहा है तो मैग्नेटिज्म भी टेस्ट में आएगा, और साथ में मान लीजिए पुराना कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक मान लीजिए या कैपेसिटेंस, वो भी टेस्ट में आएगा, तो आप उस कैपेसिटेंस को कैसे रिवाइज करते थे या उसके बारे में क्या ऐसा? तो कई बार तो ऐसा होता था कि जो रनिंग उसमें आ रहा है वो पढ़ने हैं, तो कई बार ऐसे नहीं भी हो पाता था, तो उसकी कोई दिक्कत ज्यादा नहीं आती थी, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है क्लासरूम में, मुझे सिर्फ सवाल फिर से करना है, मुझे कंसेप्ट याद है। तो अगर मुझे अगर वीक है जो रनिंग में आ रहा है तो फिर मैं उसकी प्रैक्टिस करता था जो उसके साथ है, जो क्लास में चल रहा है उसके साथ में। ठीक है,
तो मुझे पता था हमेशा कि मेरे कौन से चैप्टर्स वीक हैं और कौन से मुझे आते हैं। जैसे मुझे पता था कि मेरा कैपेसिटेंस चैप्टर वीक है, मुझे लास्ट तक ये चीज पता थी, और नीट के पहले फिर मैंने वो चैप्टर छोड़ ही दिया था कि अच्छा। रिस्क लेते हैं, नहीं बन रहा है तो छोड़ दो, ठीक है। तो उससे कभी आपको ये नहीं लगेगा कि यार मैं और कैपेसिटर वाला चैप्टर एक बार और पढ़ लेता हूँ, हो जाएगा। जैसे नीट में भी एक हफ्ता बचा है तो आप अभी भी वही चैप्टर जो वीक है वो लेकर बैठे, ये कई लोग गलती करते हैं। तो मुझे पता है अगर मुझे नीट में वो क्वेश्चन आ गया तो मुझे वो क्वेश्चन छोड़ने में कोई हर्ज नहीं होगा, कि मुझे पता है कि यार छोड़ो एक चैप्टर मैंने छोटा हुआ है पढ़ाई में। हाँ, अगर ऐसा होगा कि मैंने पढ़ा है तो फिर मैं वो क्वेश्चन अपना हो सकता है ईगो पे ले लूँ, मैं 10 मिनट लगा दूँ एक ही क्वेश्चन पे कि यार ये क्यों नहीं आ रहा है। तो हमेशा रियलिटी से अपन को थ्रू होना चाहिए कि मुझे कितना आता है कितना नहीं आता है। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। और कुछ एक आध छोटी मोटी चीज छोड़ने पर आपको कोई नुकसान? कोई नुकसान नहीं होगा, हो सकता है कि आपको उससे कोई क्वेश्चन ही ना है तो आपको कोई नुकसान हो ही ना। बिल्कुल ठीक बात है। इसके अलावा अपने पास नीट के पेपर में 5 क्वेश्चन के लिए चॉइस रहती है, तो उसको उसमें अपन उसको छोड़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा धवल, एक और जो क्वेश्चन है वो ये कि आपने सब्जेक्ट को याद रखने के लिए या सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को याद रखने के लिए आपने कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज या कुछ स्पेसिफिक ट्रिक्स ऐसा कुछ अप्लाई किया था? तो जैसे मैंने अभी बताया बायोलॉजी की मेरी जो ट्रिक थी कि रात को पढ़ना और फिर नींद से एक बार उठ के बीच में फिर से उसको रिवाइज करना, ये मेरी बायोलॉजी की ट्रिक थी। इसको थोड़ा सा डिटेल में बताएं कैसे करते थे? जैसे अगर मैं कोचिंग से रात में आया हूँ 9 बजे पहुंचे घर पे, खाना खाया और उसके बाद फिर मैंने एक बार बायोलॉजी पढ़ी, मतलब खाना खा के तुरंत बंद किया और जो पढ़ा है अभी जो रनिंग चल रहा है वो, और साथ में अगर प्रीवियस आपको कोई चीज याद करनी है याद नहीं हो रही है वो पढ़ाई की, 11:30 बज गए ठीक है, और अब आपको सोने का टाइम हो गया है। तो मैं ऐसे लोग लेट नाइट तक पढ़ते हैं, मेरे साथ के बहुत सारे लोग थे जो लेट नाइट तक पढ़ते थे, वो मैंने नहीं किया कभी भी, ठीक है। तो फिर लगातार 6 घंटे सोना और उसके बाद उठ के पढ़ने से मैंने मुझे ये बेनिफिट लगा कि मैं 4 घंटे सोऊं, 4 बजे उठूं, फिर मैं 1.5 घंटा जो पहले पढ़ा था वो एक बार फिर से पढ़ूं, ठीक है, और फिर मैं सो जाऊं 5:30 बजे और फिर मैं 8 बजे उठूं, तो मेरे को सेम नंबर ऑफ आवर्स की स्लीप मिल रही है अभी भी। जैसे मैं अगर मैं 11:30 बजे उठता, 6 बजे सोता, 6 बजे उठता तो उससे, लेकिन एक फर्क ये पड़ रहा है कि अब मैं 6 बजे अगर उठूंगा तो फिर मुझे पूरा एक 6-7 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी कंटिन्यूअस में उसको कवर अप करने के लिए। तो ऐसे मेरे एक पॉकेट जोन जैसे मैंने बोला पावर स्टडी तो ठीक है। अब मैं हो सकता है उठने के बाद 3 ही घंटे पढ़ाई करूं और मेरा जो सेम नंबर ऑफ आवर्स स्टडी के हो जाए ठीक बात है। उसके अलावा फिजिक्स की मैंने एक स्ट्रेटजी फॉलो की थी, आपको भी पता है सर कि मेरी फिजिक्स थोड़ी वीक थी जी तो मैंने मुझे पता था कि मेरे को थोड़े से न्यूमेरिकल्स करने में दिक्कत आएगी, तो मेरे हर सवाल हर चैप्टर में 100-200 एक स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं जो हर किताब में मिल जाएंगे आपको, और उसी से एक मिलता जुलता क्वेश्चन आपको पता है कि नीट में आएगा या आपकी प्रीवियस ईयर्स की एनालिसिस है। तो मैंने उन्हीं 100-200-300 जो सवाल हर चैप्टर में होते हैं उन्हीं पे फोकस किया और बार बार वही वही क्वेश्चन किए। कई बार जो लोग होता है वो ओवर कॉन्फिडेंस में, मैंने देखा है कि वो IIT के एडवांस लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं, फॉरेन ऑथर्स की बुक कर रहे हैं, तो उसका हो सकता है कि आपका कंसेप्ट स्ट्रांग हो या कुछ हो, या अगर आप एडवांस के लिए भी अलग से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें फायदा मिले, लेकिन नीट के लेवल पे शायद उतना फायदा ना मिले। तो मैंने वही सवाल किया जो नीट के लेवल के थे, मुझे पता था कि यही इसी के क्वेश्चन आएंगे, तो उसका मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। जैसे मेरे कोचिंग के लेवल के टेस्ट में मेरे फिजिक्स में हमेशा कम नंबर ही रहे, तो उससे मुझे 40-50 नंबर का बूस्ट मिला जब नीट का पेपर हुआ उसके मुकाबले। क्योंकि कई बार होता है कि आपके टेस्ट में जो है टीचर डिफिकल्ट क्वेश्चन डाल देता है लेकिन वो डिफिकल्ट क्वेश्चन नीट में नहीं आ सकता, आपको भी पता है ये चीज। तो इसीलिए अगर आप ऐसा टाइम, मतलब मुझे पता था कि मेरे को ये क्वेश्चन करना है, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन नीट में आएगा, तो एक आपको ट्रस्ट होना चाहिए अपने खुद की एनालिसिस पे भी, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल ठीक है मतलब प्रैक्टिस पे, फिजिक्स के लिए प्रैक्टिस पे जोर होना हमेशा जी, हमेशा जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा धवल, जो फोरथकमिंग एग्जाम है या अपन ऐसे बोले जो नीट एस्पिरेंट्स है जी, ठीक बात है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे या क्या टिप्स देना चाहेंगे जिनसे उनको हेल्प मिले आने वाले बच्चों के लिए? उन लोगों को मैं यही टिप्स दूंगा कि सबसे पहले तो सोशल मीडिया से आप जितना हो सके दूर रहें, क्योंकि उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा, आपको हमेशा दुखी रहेंगे कि आपके दोस्त लोग जो है वो एंजॉय कर रहे हैं आप नहीं कर रहे, ठीक है। और उसके अलावा मैं ये कहूंगा कि आप क्लासरूम में पढ़ते रहिए और टीचर्स की बात मानते रहिए, उससे हमें उसके अलावा आपको कुछ ऐसे अलग हटके कोई प्लानिंग नहीं करनी है, उतने में आपका नीट अच्छे से और अच्छे स्कोर से निकल जाएगा। क्योंकि पर्सनली मैंने भी यही चीजें की थी, मैंने टीचर्स का हमेशा टच में रहा, उनकी बातें सुनी और मेरा नीट निकल गया, मेरे लिए इतनी जर्नी थी बस। बहुत अच्छा बहुत बढ़िया। मैंने सुना है आप एम्स के लिए टारगेट कर रहे हैं जी सर, है ना? तो हम विश करते हैं आप जिस एम्स के लिए एम कर रहे हैं वो एम्स आपको मिले। विश यू वेरी गुड लक, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं धवल। थैंक यू सर, है ना? यू आर ऑलवेज वेलकम हियर। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच
फॉर दिस वंडरफुल इंटरेक्शन, है ना। बिल्कुल, इससे बच्चों को हेल्प मिलेगी, बच्चे देखते हैं तो उसमें से अच्छी चीजें ग्रैस्प करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं और उनको बेनिफिट होता है। वन सेकेंड, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू, टिल देन बाय बाय।